हेलो स्टूडेंट्स, और फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। बात करें आपके लखनऊ विश्वविद्यालय के सेमेस्टर एग्जाम के बारे में, सेमेस्टर के बारे में, और आपके हॉस्टल फॉर्म की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रही थी, काफ़ी आप लोगों की डिमांड थी, इसके बारे में जानकारी चाहिए आपको, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको एक SMS आया होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल कैंडिडेट फॉर BA, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट BA के थे, आपको बता दें कि जो आपका ओरिएंटेशन सेशन है वो आपका यहाँ पर होने वाला है, ठीक। कब होने वाला है? 17/8/24 को, यानी 17 तारीख को 11:30, यानी 11:30 से आपका शुरू होगा, जो आपका यहाँ पे AP सेन हॉल ओल्ड कैंपस में आपका यहाँ पे शेड्यूल किया गया है। अब ये आपको मिल गया है सर कि 17 से आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है, आप लोग आ जाइए। अब इसके बाद क्या हुआ, जितने भी गार्जियन है, ठीक, हालांकि आप लोग BA LLB क्लासेज और 2-3 क्लासेज शुरू हो चुकी हैं, नोटिफिकेशन मैंने आपको दे दी थी, और आपको SMS भी जाएगा जैसे आपकी क्लास शुरू होगी, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी क्लास शुरू हो गई है, अप्रॉक्स मान चलिए 20 तारीख से सभी कोर्सेज की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अब सबसे बड़ी डिमांड ये आती है सर, क्लासेस तो शुरू हो गई लेकिन सर ये हॉस्टल की कुछ अपडेट नहीं मिल रही है, हॉस्टल का क्या होगा, है ना। जब हॉस्टल ही नहीं रहेगा, जो बच्चा सीतापुर से है, जो बच्चा यहाँ गाजीपुर से, जो बच्चा यहाँ गोरखपुर से है, वो कैसे जाएगा अपनी क्लास को ज्वाइन करने, कैसे जाएगा वो सेशन को ज्वाइन करने, काफ़ी उसके मन में सवाल है। गार्जियन मैंने फ़ोन करा, सर हॉस्टल फॉर्म कब आएगा, मेरी बच्ची है वो कैसे अप डाउन करेगी, यहाँ से मैं हॉस्टल उसको दिलाने वाला हूँ, हॉस्टल फॉर्म आएगा, हॉस्टल मिलेगा, अभी तो वो क्लास अटेंड करेगी, या तो 10-15 दिन के लिए कोई रूम लेना पड़े। तो आपको बता दें जो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय का हॉस्टल फॉर्म है तभी आता है जब आपकी एडमिशन प्रक्रिया कम्प्लीट हो जाती है, मतलब जो आपकी कट ऑफ चल रही है, काउंसलिंग चल रही है, ये खत्म होगी, जस्ट उसके 2 से 3 दिन बाद आपके हॉस्टल फॉर्म आ जाते हैं। तो अप्रॉक्स मांग चलना आपका लगभग PG का भी आपका अलॉटमेंट चल रहा है, PG का भी पहली कट ऑफ आई, फिर दूसरी कट ऑफ आएगी, एक सप्ताह का आपका, एक वीक का आपके पास ऑप्शन यहाँ पे मिल सकता है, एक वीक का टाइम, मतलब 5 से 6 दिन का टाइम लग सकता है आपका हॉस्टल फॉर्म आने में। अब एक चीज़ और है कि हॉस्टल फॉर्म मान लीजिए आ गया सर, हॉस्टल फॉर्म आ गया, इसमें कम से कम 5 से 7 दिन टाइम लगता है सर अलॉटमेंट होने में, ये भी आपके अलॉटमेंट होगी जब फॉर्म भर दोगे तो, ठीक है। तो अप्रॉक्स सब मिला जुला के 10 से 15 दिन का समय आपका जो लगने वाला है हॉस्टल के इंतजार में आपका जाने वाला है, ठीक। तो आपको करना क्या है, हॉस्टल फॉर्म का वेट करना है, जब हॉस्टल फॉर्म आ जाएगा, हॉस्टल मिल जाएगा, तब क्लासेस ज्वाइन करना जो बच्चे दूर के हैं, या फिर अगर पॉसिबल हो डेली अप डाउन कर लो, या फिर अगर आपके कोई रिलेटिव लखनऊ में रहते हैं तो वहाँ रुक के अपनी क्लास इनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अभी आपके 4 से 5 दिन जो क्लास होने वाली है ये कोई रेगुलर बेस पर क्लास होगी नहीं, 4-5 दिन आप रुक सकते हो। रही बात आपके इस सेशन की, तो इस सेशन में क्या होने वाला बता दें आपको, तो जो आपका ओरिएंटेशन सेशन होता है इसमें आपको पूरी क्लास की जो डिटेल होती है ये बताई जाती है सर, इसमें आपको सिलेबस बताया जाएगा, कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन क्लासेस कब कब चलेंगी, कौन सा प्रोफेसर आपको पढ़ाएगा, कैसे आप BA के सेमेस्टर को अच्छे से हैंडल कर पाते हो, मतलब सब कुछ ओवरव्यू जो भी आपका 4 साल के BA का होगा वो सब कुछ आपको इस क्लास में दिया जाएगा। तो जो बच्चा क्लास को इनरोल कर लेता है अच्छी बात है, ये कंपलसरी नहीं है, बच्चे बोल रहे सर क्या ये कंपलसरी है, तो ये कंपलसरी नहीं है, ये आपके हित के लिए क्लास चलाई गई है। हर कोर्स जब शुरू होता है तो आपका एक ओरिएंटेशन सेशन होता है जिसमें बच्चे को पूरा ओवरव्यू बताया जाता है सर, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आपको मिली है तो हॉस्टल फॉर्म का वेट करो, अगर आप आसपास करो तो आप क्लास को इनरोल कर सकते हैं, टाइमिंग टाइम पे जाइए, आपका यहाँ पे एड्रेस भी दिया गया, आप सेन हॉल में पहुँची, AP सेन हॉल में ओल्ड कैंपस में आप आराम से क्लास को इनरोल कर सकते हैं। और कोशिश करिए जब क्लास को इनरोल कर लीजिए उसके बाद जो डिटेल आपको जानकारी मिली है वो जानकारी अब तक पहुँचा दीजिए, या फिर जानकारी आप ग्रुप के माध्यम से बता दीजिए, जिससे कि जो बच्चा दूर का है वो क्लास को नहीं ज्वाइन कर पाया है वो भी समझ जाए भाई क्या आज क्लास में क्या बताया गया, ठीक। चलिए, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपके सेमेस्टर के लिए ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप को इनरोल कर लेना, सेमेस्टर की हर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप के माध्यम से मिलता रहेगा। एक चीज़ और सर बता दें आप लोग को कि आप लोग का ये लखनऊ गुरुकुल है, ठीक है, आज तक आपका टारगेट गुरुकुल आपके साथ खड़ा था, पूरा एंट्रेंस में आपको साथ दिया, तो आप पूरे सेमेस्टर एग्जाम में जो भी आपकी दिक्कतें होंगी, जो भी आपकी समस्याएं होंगी, अब ये लखनऊ गुरुकुल को बताएंगे आप और यही आपका समाधान करेगा। यहाँ देख सकते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी BCom फर्स्ट सेमेस्टर का जो आप लोग का प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, या फिर इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर का पैटर्न हो गया, या फिर जितने भी सिलेबस हो गए वो सब कुछ आपके लखनऊ गुरुकुल के माध्यम से बताया जाएगा, ठीक। तो पूरी सेमेस्टर की तैयारी है आपके लखनऊ गुरुकुल के माध्यम से होगी। बता दें जो बच्चे टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड किए थे, ठीक है, वो बच्चे करेंगे क्या, आपको यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम की कैटेगरी दिख रही होगी, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम का ऑप्शन आएगा, सेमेस्टर एग्जाम सेलेक्ट कर लेना, ठीक। फिर यहाँ पर जैसे ही आपको पेड कोर्स पर क्लिक करोगे, लखनऊ विश्वविद्यालय सेलेक्ट करोगे, सभी कोर्सेज LLB BA LLB BA BCom BSc का फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा बैच लॉन्च हो चुका है, अब जाके फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, आपकी क्लासेज जो होंगी 20 तारीख से आपको क्लासेज और कंटेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक। क्या करना है, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना,
कैटेगरी में सेमेस्टर एग्जाम आप सिलेक्ट कर लेना और पेड कोर्स पे आओगे और सिलेबस पे क्लिक करोगे सारे सिलेबस भी मिल जाएंगे आपको। बीए बीकॉम बीएससी का सिलेबस मैंने अपलोड कर रखा है सिलेबस सेक्शन में, कोई डाउट हो हेल्प सेक्शन में आके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक, तो सेमेस्टर का पूरा आपका जो रोड मैप होगा वो इस मैप के माध्यम से और लखनऊ गुरुकुल के माध्यम से आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम जो होगा एकदम आसान कर दिया जाएगा। ठीक, निश्चिंत रहो, आपका जो एग्ज़ाम होगा सर वो थ्योरिटिकल एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, क्या होगा, थ्योरिटिकल एग्ज़ाम होगा, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, एक क्वेश्चन जो होगा 15 नंबर का होगा। ठीक, जो बचा 25 नंबर आपका होगा, ठीक है, 25 नंबर ये आपका वाइबा और आपके अटेंडेंस और एक्सटर्नल नंबर है प्रोफेसर के ऊपर रहता है। ठीक, बाकी 75 नंबर जो रहेगा ये आपके एग्जाम के ऊपर रहेगा। गारंटी देते हैं जो बच्चा यहाँ पे सारथी बैच के अकॉर्डिंग पढ़ता है, ठीक है, इस 75 में अब मान चलना कि आपका जो 65 प्लस नंबर आपका आराम से आ जाएगा। क्योंकि हर साल जो बच्चा इस बार बीकॉम का था उसका जो हाईएस्ट इस बार गया था 9 CGPA, ठीक है, 9.5 CGPA बच्चा स्कोर कर रहा है आउट ऑफ 10। ठीक है, तो निश्चिंत रहें, जो भी आपकी दिक्कत होगी समस्या होगी टारगेट गुरुकुल हमेशा आपके साथ होगा। तो लखनऊ गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक और लखनऊ गुरुकुल की लिंक दोनों की लिंक आपको दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप भी उसको ज्वाइन कर लेना। और हाँ, कल बीए का आपका जो ओरिएंटेशन सेशन है उसकी जानकारी जरूर आप दे दीजिएगा जो बच्चे ज्वाइन करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।